तो गाइस इस लंबे बाल वाले को मेरे रिएक्शन से कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है भाई, मेरा ख्याल से अगला रिएक्शन तेरा बनने वाला है। मोटो ब्लॉग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो इनके तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें अपने BMW में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा दिए हैं, आप खुद देख लो। फुल सिस्टम के लिए हमारे भाई फुल सिस्टम डलाओ, फुल सिस्टम डला दिया, फुल सिस्टम लो सारा कुछ उतार के यहाँ रखा और यहाँ है फुल सिस्टम। अब डरो ये, क्योंकि ये वेपन है भाई, ये मशीन, यहाँ से चेक मारो। भाई दिल की धड़कने कम हो रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉगर जानू स्टंट वर्सेस आमिर माजिद के बारे में। तो जानू स्टंट अपने रिसेंट ब्लॉग में आमिर माजिद को रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहे थे। गाइस ब्लॉग में क्या बोल रहे हैं पता है आपको, कहते हैं कि जब हम ब्लॉग बना रहे होते थे तब तुम लड़कियों के सामने स्टंट वगैरह कर रहे होते थे। गाइस बात भी वो कर रहे हैं जो गाड़ियों के टायर खोल के बेचते रहते थे थोड़ी देर पहले जब ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे। तो कल जानू स्टंट की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो अगेन पोक किए हैं आमिर माजिद को। तो गाइस कुछ बंदे भाई आपको पता ही है टायर बेचते थे भाई खोल के, मेरी बाइक का भी टायर निकाल के भाई कोई ले गया, देख रहे हो भाई। इसी ब्लॉग में जानू स्टंट ने बताया कि वो जम्मू गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मोटो ब्लॉगर्स के लिए एक स्पेशल स्टंट पॉइंट बनाया जाए। मतलब कि गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि यार हमारा जो मतलब कि देखो स्टंट राइडिंग को एक ना एक स्पेशल जगह वगैरह मिलनी चाहिए, तो सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बाकी देखते हैं, वो कहते हैं गलत है भाई, गलत है मैं भी मानता हूँ, पर अगर कोई जगह मिल जाएगा ना तो अगर कोई गंदी स्टंट वगैरह करेगा तो हम भी उसको बोलेंगे गवर्नमेंट को पकड़ने में हेल्प करें। एंड जानू स्टंट की तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आया जिसमें वो फाइनली उत्तराखंड की राइड स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनका इंस्टाग्राम स्टोरी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द यूके जर्सी में राइडर वर्सेस प्रो राइडर 1000 के बारे में। तो आपको पता होगा कि प्रो राइडर अपने वीडियोज में कॉलेज रिएक्शन एंड मार्केट रिएक्शन दिखाते हैं, जिसके ऊपर यूके जर्सी ने कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में कुछ कहा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बाबू भैया पुलिस वाले से दिक्कत है एग्जॉस्ट के लिए। भाई पुलिस वाले से एग्जॉस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती अंटिल एंड अनलेस आप पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट करोगे, आप पब्लिक के लिए ऐसे बदतमीजी करोगे, रेव मारोगे, रिएक्शन लोगे, तो फिर फॉर श्योर आपकी गाड़ी सीज होगी और अरेस्ट भी हो गया। तो कल प्रो राइडर की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो सीरियस रिप्लाई किए हैं द यूके जर्सी राइडर को, आप खुद देख लो। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देखे, काफी प्राइजेस जीतो वो भी lotus365.in पे। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसे 50+ तरह में क्वेश्चन में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए RS365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। अरे एक सेकंड, एक बात करना था, भूल ही गया। तो गाइस एक बंदा कह रहा था कि अगर आप रिएक्शन बनाओगे तो फॉर श्योर आप अरेस्ट होगे। तो गाइस मैं रिएक्शन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप सब लोग की डिमांड रहती है, आप सब लोग बोलते हो क्यूट कॉलेज गर्ल रिएक्शन बनाओ, खतरनाक कॉलेज स्कूल रिएक्शन बनाओ। अगर मैं आप सब लोग की डिमांड ही पूरी नहीं कर पाऊंगा तो आप ब्लॉग बनाने का फायदा क्या है? आप सब लोग की डिमांड पहले है, बाकी चीजें बाद में। तो गाइस इस लंबे बाल वाले को मेरे रिएक्शन से कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है भाई, मेरा ख्याल से अगला रिएक्शन तेरा बनने वाला है। बिहार के बाद आज शाम के 4 बजे सिलीगुड़ी में मीटअप करने वाले हैं, आप खुद देख लो। तो यार ये स्टोरीज ना सिलीगुड़ी के लोगों के लिए, मेरे को ना इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बाबू भैया आपने बिहार में मीटअप कर लिया, सिलीगुड़ी में मीटअप कब? तो कल ना एक इवेंट रख रहे हैं हम लोग गाइस सिलीगुड़ी में ब्लू माउंटेन रिजॉर्ट में शाम के 4 बजे, जिसमें ना मात्र 500 लोगों की एंट्रीज होगी। उस रिजॉर्ट में केवल 500 लोग घुस पाएंगे। सुबह 10 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी गाइज, जो पहले रजिस्ट्रेशन करा लेगा, जो पहले एंट्री ले लेगा वो मिल पाएगा गाइज, और इवेंट में हम लोग साथ ही होंगे। फिर मुझे पता गाइज सिलीगुड़ी के लिए बहुत कम जनता है, मुझे ऐसा 50,000 की परमिशन लेना चाहिए था, बट इतने लोगों की परमिशन मिली है गाइज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं MSK के बारे में। तो इनकी तरफ से आज एक इंस्टा स्टोरी आया जिसमें अपने BMW H1000RR से रिलेटेड अपडेट देते हुए कुछ ये कहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पूरी रात जाग के मैं पहुंचा हूं अंकलेश्वर BMW S1000RR को देखने के लिए। अगर आज अपने को पसंद आ गई तो डील डन करके कल डिलीवरी लेंगे। अगर डिलीवरी हो गई तो फिर आप सब लोग आना डिलीवरी में, बट आज शाम तक रुक जाना। लास्ट स्टोरी हम बात करने वाले हैं आलियान ब्लॉग्स के बारे में। तो इनकी तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें उनके एक स्कूटी वाले अंकल के साथ रोड रेज हो गया। बेसिकली स्कूटी वाले अंकल विदाउट इंडिकेटर ऑन किए ही अपनी स्कूटी को टर्न कर रहे थे, तभी उन्हें बचाने के चक्कर में आलियान की न्यू KTM RC 390 का क्रेश हो गया। वीडियो में आपने इंडिकेटर कहाँ दिया? आपने इंडिकेटर झूठ क्यों बोल रहे हो? पहले बोला इंडिकेटर ऑन नहीं था। मैं पुलिस में फोन कर रहा हूँ, रुकना यहीं रुकना। आपने कहाँ दिया इंडिकेटर? लगा हुआ, सॉरी भाई। सॉरी नहीं, पहले आप बोलो इंडिकेटर भी दिया था आपने, झूठ क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं ना, नई बाइक आप इसका खर्चा दोगे, एक मिनट रुको यहीं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।